जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती ग्रुप एफ की बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप एफ का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल के लिए नाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि 5 सीट अभी भी ग्रुप एफ में खाली हैं। आपने देखा होगा कि ग्रुप ई की पहले ही लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 41 सीट वहाँ भी खाली थी और 5 सीट ग्रुप एफ भी खाली है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपको रिजल्ट देखना कैसे है और टोटल कितने व्यक्तियों का नाम आया है, पर आप सबसे पहले देख लें कि लिस्ट कितनी खाली है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट देख लें कि आरपीएफ कांस्टेबल सभी ग्रुपों का टोटल वैकेंसी है। तो अगर ग्रुप एफ की बात करें, टोटल मेल की ही वैकेंसी थी यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि 666 वैकेंसी यहाँ पर टोटल थी। लेकिन आप देख लीजिए, ये सबसे लास्ट का है, हमने स्क्रीनशॉट लिया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 661 कैंडिडेट को ही मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि मेडिकल में आपको अटेस्टेशन फॉर्म भर के ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हम पहले से वीडियो बना दिए हैं। तो जैसे ये वीडियो समाप्त होगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको हम बनाए हैं कि आपको भरना कैसे है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब चलिए आपको बता देते हैं कि जो ग्रुप एफ की फाइनल लिस्ट आई है, तो सभी लड़कों का जिनका नाम आया है तो उनका नाम दिखा देते हैं, और आपको चेक कैसे करना है ये बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल साइट में जाना है। देख लीजिए, यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल साइट है, उसमें आपको नीचे की तरफ आना है और आपके दूसरे वाले में आप देख लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है मेडिकल के लिए, इसी को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ अभी 2 ग्रुप दिखा रहा है, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। तो ग्रुप ई का पहले ही रिजल्ट आ गया था, आपको पता था वहाँ 41 सीट खाली रह गई थी और ग्रुप एफ में भी 5 सीट खाली है। तो अब आपको ग्रुप एफ में दिखा देते हैं कि टोटल कितने लोगों का नाम आया है, तो आप उसको डिटेल से देख लें। तो देख लीजिए, सभी लड़कों का नाम है, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन का नाम दिया गया है, इधर रोल नंबर दिया गया है, इधर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, इधर पिता का नाम दिया गया है, इधर कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो आप सबसे पहले एक्स सर्विसमैन का नाम दिया गया है, उसमें आप नीचे आते जाएंगे तो टोटल देख लीजिए सभी व्यक्तियों का नाम दिया है। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उसको ओपन करके देख लीजिएगा तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, थोड़ा सा लिस्ट लंबी है, तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आने पर आप देखिए तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 661 लोगों का ही नाम आया है और टोटल वैकेंसी कितनी है, 666। तो देख रहे हैं आप कि 5 सीट यहाँ भी खाली है। और आप देख लीजिए, इस निर्देश को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये निर्देश आपके मेडिकल के लिए है। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल करके सहायता ले सकते हैं या तो पता कर सकते हैं, और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में ज़रूर जानिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।